क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल आर दिस 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का तीन जीरोस होता है, तो हमें तीन जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। और ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं इसको डायरेक्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये पॉलीनोमियल हो गया और इसका तीन जीरोस दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल में, सम ऑफ जीरो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, और सम ऑफ जीरो। तो ये तीनों जीरोस है, तो तीनों को ऐड करके सम ऑफ जीरो की जगह पे लिख देंगे, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस थ्री बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया, वन। तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए ये बन गया थ्री ए इक्वल टू, इधर भी थ्री आ गया, तो ए इक्वल टू वन, तो ए का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। अब बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने सम ऑफ जीरो यूज किया उसी तरीके से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पे हम तीनों जीरो को प्रोडक्ट करके लिख देंगे, ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म के प्लेस पे क्या है, वन। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया, वो भी हो गया वन, तो ये आ गया माइनस वन, और तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, और ए का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू है वन, तो ए के प्लेस पे हम वन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन, तो इंटू वन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू माइनस वन, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, ये वन हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये वन इधर आया कि ये भी माइनस हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू टू, इस साइड से हम स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाएंगे, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और ये रूट आ जाएगा, तो बी का दो वैल्यू आ गया, प्लस रूट टू भी हो सकता है माइनस रूट टू भी हो सकता है, तो हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था, तो ए का वैल्यू तो आ गया सिर्फ वन होगा, और बी का वैल्यू रूट टू भी हो सकता है और माइनस रूट टू भी हो सकता है, बी का दो वैल्यू पॉसिबल है इस केस में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, और ये कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में।